हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सात बहुत ही काम का किचन टिप्स लेकर के आई हूँ जो आपने पहले शायद ही सुने होंगे, जिससे आपको किचन के काम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला टिप्स है आलू को लेकर। आलू तो हम सब हमेशा बॉयल करते हैं, लेकिन जिस बर्तन में आलू बॉयल करते हैं वो बर्तन काला हो जाता है। कुकर हो या कोई भी बर्तन हो जिसमें हम बॉयल करते हैं आलू, वो काला पड़ जाता है। और आलू में पानी भी ज़्यादा नहीं डालिए। पानी ज़्यादा डालने से पहला तो गैस भी ज़्यादा लगेगा आलू बॉयल होने में, और आलू में पानी भी चला जाता है। तो आलू में पानी आप कम ही डालिए और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से छिलका आसानी से निकल जाता है और आलू बॉयल करने से बर्तन काला हो जाता है। तो इसके लिए आप आधा नींबू का छिलका या नींबू डाल लीजिए तो बर्तन काला नहीं होगा। छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का टिप्स है, ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये टिप्स। अगला टिप्स है, जब कभी छोला बनाने का मन हो जाता है और चना भिगा करके हम नहीं रखे होते हैं, तो फिर जल्दीबाजी में हम कैसे छोला बना सकते हैं। तो एक कटोरी मैं यहाँ छोला ले ली हूँ, सफ़ेद चना ले लिए हैं और उसे धो लिए हैं और कुकर में डाल देंगे। और उसी कटोरी से चार कटोरी पानी डाल लिए हैं, एक चम्मच नमक डाल देंगे और अब ढक्कन लगा करके तीन से चार विसिल लगा लीजिए। एक विसिल के बाद गैस का फ्लेम हल्का कम कर लीजिए। तीन विसिल के बाद इसी तरह कुकर में ही एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए। चना को रखे हुए एक घंटा हो गया है, अब चेक कर लेते हैं। चना बहुत अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली मैश हो जा रहा है। तो आप इस तरीके से आसानी से छोला बना सकते हैं यदि आप चना भिगाना भूल गए हैं तो। और कुकर में आप छोला बना लीजिए तो चना और अच्छे से गल जाएगा, क्योंकि छोला थोड़ा गला हुआ ही अच्छा लगता है। तो कुकर में बनाएंगे तो अच्छा छोला बनेगा। अगला टिप्स है बिस्किट को लेकर। जब कभी क्या होता है कि बच्चे बिस्किट के पैकेट खोल देते हैं और डब्बे में रखते नहीं हैं, और जब कभी हम भी रखना भूल जाते हैं तो बिस्किट नरम हो जाता है, और बारिश के दिनों में जल्दी नरम हो जाता है, और नरम बिस्किट कोई खाना पसंद नहीं करते हैं तो वेस्ट होने लगता है। तो इससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं कि हमारा बिस्किट वेस्ट ना हो, तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर के आई हूँ। रोटी बनाने के बाद तवा गर्म रहता है तो एक एक करके बिस्किट को तवे पर रख दीजिए, या आपके पास ओवन है तो ओवन में रख सकते हैं। थोड़ी देर बाद पलट लीजिए और इसी तरह तवा पर ही छोड़ दीजिए बिस्किट को, तो एकदम क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे। आपको गैस भी जलाना नहीं पड़ेगा, बिना खर्चे के आपका बिस्किट बिल्कुल क्रिस्पी और करारे हो जाएंगे। तो है ना बहुत ही काम का टिप्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी तो फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी टिप्स का फ़ायदा उठा सकें। बारिश के मौसम में नमक में या चीनी में नमी हो जाता है, और जब हम नमक इस तरह से स्प्रिंकल करते हैं तो स्प्रिंकल नहीं होता है। तो आप नमक में थोड़ा सा चावल डाल दीजिए। चावल डालने से जितना भी इसमें नमी होगा चावल सूख लेगा। और जब भी आप डब्बा में नमक रखें तो चावल डाल करके रखें तो नमक में नमी नहीं होगा और नमक अच्छे से स्प्रिंकल हो पाएगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स बहुत ही काम के होते हैं और हमारा किचन का काम आसान हो जाता है। तो ट्राई करके देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जब कभी किचन का ज़्यादा काम कर लेने से नेल्स या हाथ काले पीले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, और जब कभी हमको पार्टी फंक्शन में जाना रहता है तो और अच्छा नहीं लगता है, तो खाने का सोडा ले लीजिए और नींबू या नींबू का छिलका ले लीजिए और इस तरह से हाथों पे और नेल्स पे रब कीजिए। तो थोड़ी देर में आपका हाथ और नेल्स क्लीन हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। और एक और फ़ायदा है, यदि आप नेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो नेल्स ग्रो होने में भी बहुत हेल्प मिलेगा। तो है ना बहुत ही काम का टिप्स। जब कभी हम ज़्यादा मिर्च काट लेते हैं तो हाथों में जलन देने लगता है। ऐसे तो सीजर से मिर्च काटने से हाथों में जलन नहीं देता है, लेकिन ध्यान में नहीं रहता है और चाकू से ही हम मिर्च काट लेते हैं और हाथों में जलन देने लगता है। तो ऐसा क्या करें कि हाथों का जलन तुरंत से ख़त्म हो सके। तो एक कटोरी में चिल्ड दूध ले लीजिए, एकदम ठंडा दूध ले लीजिए, और एक चम्मच चीनी डालिए और हाथों को दूध में डीप कर लीजिए। दोनों हाथों को इस तरह से दूध में डीप कीजिए
तो थोड़ी देर में आपका हाथों का जलन ख़त्म हो जाएगा। अगला टिप्स है मूंगफली को लेकर। जब कभी मूंगफली का छिलका अच्छे से नहीं निकल पाता है, पूरा छिलका निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मूंगफली को हल्का रोस्ट करने के बाद थोड़ा सा पानी का छींटा मारिए और फिर रोस्ट कीजिए। और इसी तरह दो बार आप छींटा मार लीजिए, दो या तीन बार और रोस्ट कर लीजिए मूंगफली को, तो छिलका बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा, बहुत ही इजीली निकल जाएगा। मूंगफली एकदम क्लीन और साफ़ हो जाएगा, एक भी छिलका नहीं रहेगा। रोस्ट होने के बाद इसे प्लेट में या किसी किचन टावल पे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। और ठंडा होने के बाद आप छिलका निकालिए, पूरी तरह भी ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना रहेगा तभी आप इसको इस तरह से छिलका निकालिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आप हाथ से भी मसल करके छिलका निकाल सकते हैं, या टॉवल को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से छिलका निकाल लीजिए, तो बहुत ही आसानी से छिलका निकल जाता है, एक भी छिलका नहीं रहता है, बहुत ही इजीली निकल जाता है। मूंगफली रोस्ट किया हुआ रहता है तो हमको चटनी या कोई चीज़ भी बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। आप देख सकते हैं मूंगफली का छिलका बहुत ही आसानी से निकल गया है, एकदम क्लीन हो गया है और एक आध रह भी जाता है। तो इस तरह से हाथों से छिलका निकाल लीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। मूंगफली से छिलका तो निकल गया, लेकिन छिलका से मूंगफली को अलग करने में छिलका इधर उधर उड़ता है और गंदा हो जाता है, तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर के आई हूँ। आप इस तरह का झारा ले लीजिए जिससे हम पूड़ी वगैरह निकालते हैं, तलते हैं, और एक प्लेट ले लीजिए और इस तरह से छिलका अलग कर लीजिए, बहुत ही आसानी से छिलका अलग हो जाता है और गंदा भी नहीं होता है, कहीं इधर उधर छिलका उड़ता भी नहीं है। आप देख सकते हैं मूंगफली एकदम क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है। तो फ्रेंड्स, यदि ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।